लड़के मत आना वहां से। तेरी सास अगर कुछ भी कहे, मैया के दो के चार न कर दूं तो मेरा नाम तेरी मम्मी नहीं। बेटियों के घर को बर्बाद करने में मम्मियों का कम रोल नहीं है। और जैसी क्वालिटी बहू में देखना चाहते हो, वही क्वालिटी अपनी जमाई में देखना चाहते हो। मैंने बड़े बड़े घरों को टूटते देखा है माँ की गलतियों की वजह से। बड़ों के आगे नजरें झुका के बाद अपने मम्मी पापा के आगे नजरें झुकेंगी तो सास ससुर के आगे झुकेंगी। बेटी को बेटे को डांटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों के आगे बोलने की? विषयुक्त मत बनाओ अपने माउथ को। हमारे यहां सिखाया जाता है, हर बाप सिखाता था अपनी बेटी को, बेटी यहां से तेरी डोली जा रही है, तेरी ससुराल से तेरी अर्थी आनी चाहिए, कभी लड़के मत आना वहां से। ये शिक्षा देते थे। आजकल ये शिक्षा देगा कोई अपनी बेटी को? आजकल क्या देंगे? तेरी सास अगर कुछ भी कहे तो फोन कर दियो, मैया के दो के चार न कर दूं तो मेरा नाम तेरी मम्मी नहीं। जो यहां बैठे हैं वो मैं उनसे नहीं कह रहा हूं। बेटियों के घर को बर्बाद करने में मम्मियों का कम रोल नहीं है, पापा का रोल कम है, मम्मियों का ज्यादा। वो बेटी है, तू कर तो दियो मो फोन, मैं देखूं। मम्मियों को चाहिए वो पूरी जिम्मेदारी से काम करें। जब बेटी बड़ी हो, बेटी को कैसे गुण सिखाएं जानते हो? जैसी आप बहू चाहते हो, जैसी आप बहू चाहते हो अगर वैसी गुण अपनी बेटी को दे दें तो आपकी बेटी आपके अपनी ससुराल में जाके कभी दुखी नहीं होगी। अब बहू में तो देखना चाहते हो डिफरेंट क्वालिटी, और जैसी क्वालिटी बहू में देखना चाहते हो वही क्वालिटी अपनी जमाई में देखना चाहते हो। वो क्वालिटी बहू बेटी में नहीं देखना चाहते, जमाई में देखना चाहते हैं। यहां तो बहू काम करे रसोई में, वहां जमाई काम करे मेरी बेटी की रसोई में। ले, इतनी सौभाग्यशाली तो नहीं हो माता कि तो जमाई भी ऐसा ही सर्वेंट मिले और तेरी बहू भी तुझे सर्वेंट मिले। एक को तो या तो बेटे को सर्वेंट बना ले या बेटी को जाके कह दे कि बेटी घर को संभाल ले। मैंने बड़े बड़े घरों को टूटते देखा है मां की गलतियों की वजह से, बड़े घरों को, क्योंकि इस जगह पर ठाकुर जी ने बैठाला है। और जब से मोबाइल आए, ये मोबाइल ना है पूरी सुपड़ खाएं, ये मोबाइल कंपनी सुपड़ खा है, ये घर तोड़वा मत डोल नहीं है। मोबाइल फ्री ऑफ कॉल, ये फ्री कॉल नहीं है, मुसीबत है फ्री। बेटियों को वो गुण दो जो बेटों में बहुओं में देखना चाहते हैं। अगर आपने अपनी बेटियों को वो गुण दिए जो बहुओं में देखना चाहते हो, प्रॉमिस करता हूं आपकी बेटी कभी दुख नहीं पाएगी। आपकी बेटी को रोटी बनाना आना चाहिए, आपकी बेटी को सही समय पे उठना आना चाहिए, आपकी बेटी को पाठ पूजा करना आना चाहिए, बड़ों के आगे कैसे बोलना चाहिए उसको आना चाहिए। चीख के आपकी बेटी कभी बात न करे, जोर जोर से न बोले। बड़ों के आगे नजरें झुका के बाद अपने मम्मी पापा के आगे नजरें झुकेंगी तो सास ससुर के आगे झुकेंगी। जब मम्मी पापा के आगे नहीं झुकेंगी तो सास ससुर तो गए बाजार अपनों पिज्जा खाए हुए, इनने कहूं गरम हाथ की चाय ना मिल रही। फिर ध्यान राखियो, बहू के हाथ की चाय नहीं पीएंगे जे, फिर तो इन्हें चाय भी ऑर्डर करनी पड़ेगी, पिज्जा हटते राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा बताओ सही है गलत है? तो पहली गुरु कौन कौन? अच्छा बताओ सही है गलत है? तो पहली गुरु कौन कौन? ईमानदारी की मां बन के दिखाना, आपकी बच्चियों के घर नहीं टूटेंगे, ये मेरा वादा है, कभी नहीं टूटेंगे। आगे बढ़े। ध्रुव अपनी मां के कहने से भगवान की तपस्या करने गए और भगवत प्राप्ति करने की इच्छा को लेकर
एक और बात बता दो बीच में। सुनीति ने कहा चल छोटी मां को प्रणाम करो जाके। ध्रुव बोले उन्होंने तो मेरा अपमान किया है। बोले भगवान उसी को मिलेगा जो अपमान करने वाले का भी सम्मान करना जानता। आजकल की मम्मियां पता है कैसी होती, भाई बेटी मेरी फलाने ऐसे कह दिया मेरे को, तो मम्मी ये नहीं कही कि चल बेटा कोई बात नहीं। मम्मी पता क्या कही, तूने क्या कहा, मैं भी सुना के आ गई, मैं कहा न्यू लौटे आमती, तू कहा बाने न्यू कही, मैंने 10 सुनाई इतनी इतनी लंबी, वाह मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, तू सही मायने में मेरी बेटी है, मेरी पुत्री है, तू मेरी पुत्री ले। ऐसा नहीं, मां को चाहिए बेटी को बेटे को डांटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों के आगे बोलने की। वो बड़े हैं, वो तुमसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तुम्हें छोटे होने के नाते सिर्फ सुनना चाहिए। अगर सुनाना भी चाहते हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाषा में, पापा ऐसा नहीं है, ताऊ ऐसा नहीं है, चाचा ऐसा नहीं है, ताई ऐसा नहीं है, अम्मा ऐसा नहीं है, बाबा ऐसा नहीं है, ऐसे प्यार से बात करो। यही बाणी में रस है, इसी बाणी में विष है, क्या प्रयोग करना है ये तुम जानो भाई। विष उगलोगे तो कोई ना कोई तो तुम्हारे मुख को मचल देगा, वो सर विष देता है, कोई ना कोई आके तो उसका फन, कोई ना कोई तो मचल तोड़ेगा उसके फन को, कुचल देगा कि नहीं। विष युक्त मत बनाओ अपने माउथ को, अपने मुख को अमृतमय बनाओ। मीठा बोलोगे आज नहीं तो कल आपके दुश्मन आपकी प्रशंसा जरूर करेंगे, ये मेरी गारंटी है।